रात एक घटना रिपोर्ट की गई थी कि बाइक से ये गिरे हुए पाए गए हैं। इनके साथी के द्वारा और कुछ वहां भट्टे पर जो उपलब्ध लोग थे उन्होंने वहां एम्बुलेंस को कॉल किया, उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। रास्ते में इनके द्वारा अपनी पत्नी से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की गई थी, बोल रहे थे उस समय, लेकिन जब अस्पताल आए तो वहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराया गया है पैनल के द्वारा, उसमें जो अभी तक फाइंडिंग आई है शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अभी तक फील्ड यूनिट ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वहां लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन इनके द्वारा कल व्हाट्सएप पे 1:41 पर मुझे भेजी गई थी, उसके लिए इनकी प्रभारी एसपी से ही बात करा दी गई थी। और कल प्रभारी एसपी से ये स्वयं वहां पर मिले थे जहां कल घटना का कवरेज के लिए गए थे। इनको सूचना भी दी गई थी, अमूमन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी इनको सूचना दी जाती थी, और उसमें इनके द्वारा जो भी कार्रवाई हमें भी ये इनके 7:30 तक इनके द्वारा वीडियो और फुटेज भेजे गए वहां पर। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का क्या मामला लगता है? जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहां, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन जो मौके पर मौजूद जो गवाह है उनके द्वारा जो बताया गया है, जो इसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहां मौके पर पहुंचे, तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। सर ऐसी जो है क्या कहते हैं सूचनाएं कई बार पहले भी दी जा चुकी हैं और पत्रकारों के द्वारा कि जान का खतरा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका वीडियो भी दिया गया है। हर एक मामले में जांच करा दी, किसी मामले में जांच नहीं, 28 जनवरी को एप्लीकेशन दिया गया जी, इसमें और वीडियो भी अवेलेबल कराया गया जिसमें व्यक्ति खुलेआम हत्या करने की बात कर रहा है ईटीवी भारत के पत्रकार की। नहीं तो आप इसमें कार्रवाई अभी तक फुटेज आई होगी, एसपी साहब हैं अभी कुछ दिन छुट्टी पर थे, अभी वापस आ गए। सर पत्रकारों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित की जा रही, पुलिस प्रशासन का सहयोग कितना मिल रहा है? पुलिस और पत्रकारों के बीच में यहाँ अच्छा बेहतर समन्वय है, यहाँ लगातार मेरे द्वारा जब भी बातचीत की जाती है।